बहुत अच्छा होया सूफिया की धरती गुरुआ के चरण छो धरती उत्थे मेरा गरीब का नाम रजिस्टर्ड हो गया, नाम लिखा गया, मेरा नाम दर्ज हो गया। मैं खुश नसीब हाँ कि मोदी साहब हमारे जो महबूब नेता है इंटरनेशनली आपको पता है, और उन्होंने वजारत दे सब तो खूबसूरत श्रृंगार माननीय गजेंद्र शेखावत साहब आके उन्होंने पेपर फाइल कराए और संगत बेमहारे आई है। जिहड़ा आपां कई वारी कुछ आप गड्डियां भेज के जां किसी तरह आ तुहानूं सारा गल जो मैं कहनी चाहुंदा तुहानूं समझ आ रही है, आप महारे आई है ते शुक्र है मालक दा। मैं नीवां मेरा सतगुर उच्चा, मैं नीवां मेरा मुरशद उच्चा, असां उच्चियां दे संग लाई सदके जा उन्हां उच्चियां दे जिन्हां नीवियां नाल अपना किराया नीवियां नाल निभाई। इस करके मैं अर्ज़ की कि अपना किराया भाड़ा ला के भी लोग आए, अपनियां गड्डियां च भी आए, उन्हां दे सारयां दे संगत दे चरणां च मैं नमस्कार करदा हाँ, फरीदकोट की धरती नूं नमस्कार करदा हाँ और साहब दा शुक्रगुजार हाँ अपनी पार्टी का संगठन का। कमल का फुल सारे भारत खिड़ेगा क्योंकि लोगों ने वेख लिया है कि इहदे तो बिना गल बननी नहीं। खास तौर पर पंजाबियों को पंजाब ते ही तरस करना चाहिए, कहता अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। देख लो ना आप कितों कितने चले गए, जे आप चाहते हैं कि हर स्टेट की तरह आप भी प्रफुल्लित होइए, कहण नाल रंगला पंजाब नहीं जो बनना, ये तो कम करना पैना। जे कम किया ना यूपी च मध्य प्रदेश गुआंढी हरियाणा और एक मिसाल बनी है, ऐसे तरह मैं चाहना मेरा देसा चो देश पंजाब सोहना पंजाब घुग वसे, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते, आपसी भाईचारा कायम रहे, मुहब्बत कायम रहे। मैं एक बार फिर अपील करूँगा सारे भैन भरावां नूं मुहब्बत दा दामन ना छड्डियो, जिद्दा मर्जी तुहानूं नफरत कोई करे, तुहानूं पता किन्नियां रुकावटां मैनूं आउंदियां डेली, पर फिर भी बाबा फरीद जी दा शहर है इस करके अदब करना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तशरीफ लाए इस करके अदब करना, और छेवीं पातशाही तशरीफ लाए इस करके जोगियां सिद्धां दा है। इस करके मैं तो उन्हां तों डरदा, बिल्कुल डरदा हर वक्त, ते संगत दे चरणां च मैं रहिंदा नंगे पैरी फिरदा। देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही। अब तक हुए तीन चरण के चुनाव में ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की देश को बांट करके राजनीति करने की जो विधा थी उसको देश पहचान चुका है। कल सैम पित्रोदा साहब के स्टेटमेंट, जहां कांग्रेस अब तक जाति धर्म बोली भाषा अमीर गरीब और ऊंचे और नीचे के आधार पर विभाजन करते थे, अब कांग्रेस के चरित्र का एक और रंग उद्घाटित हुआ है जब कांग्रेस के प्रवासी सेल के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जी ने रेसिस्ट कमेंट किया, और मुझे लगता है कि ये 21वीं शताब्दी में 75 साल के इस लोकतंत्र में नितांत अस्वीकार्य है। देश की जनता अब जान चुकी है, पहचान चुकी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए अवसर प्रदान करने वाली है। जिस तरह से पंजाब के भी सभी 13 लोकसभा क्षेत्रों में अपार जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को मिल रहा है, मैंने आज यहाँ देखा, अनुभव किया है कि फरीदकोट में भी तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी, जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग एक साथ एकत्रित आए, एक साथ उपस्थित हुए, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि फरीदकोट में भी कमल खिलेगा और बड़े अंतर और बहुमत के साथ में खिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से हमने हमेशा प्रयास किया है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवाद के साथ में सबको विश्वास में लेकर के, सबको साथ लेकर के, सबके विकास की संकल्पना के मंत्र के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम निरंतर इस दिशा में प्रयास करते रहे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। हंसराज हंस जी ने नॉमिनेशन फार्म भर दिते ने, तो इस वक्त साडे नाल मौजूद ने। हंसराज जी, किस तरीके का लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही चंगा लग रहा, दाता भली करे, प्यार बनाई रखे,
इलेक्शन लोक्शन तो होंगे रेंगे प्यार बनाई रखे आपसी लोगों ने अपील कुछ करोगे लोगों ने यही अपील है मुहब्बत का दामन ना छोड़ो प्यार का दामन ना छोड़ो जिन्ना मर्जी कोई गाली गलोच करे तुसी प्यार नाल हाथ जोड़ते रहो तो उन्होंने गल की है कि जेड़ा सब का भला मानते हैं तो अज नोमीनेशन फार्म भरे गए हैं इस गल की उन्होंने खुशी इतने जताई है तो नाल लोगों को साथ देने की अपील भी उन्होंने वालों की गई है। फरीदकोट तो कैमरा पर्सन मनप्रीत सिंह चलते हैं सूरज प्रकाश दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।